हेलो, आज मैं एग्रीकल्चर के कुछ सम टाइप्स क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के राज्य में जिसमें गौवध की अनुमति मिली हुई है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें गौवध की अनुमति है? केरल और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं इनमें गौवध की अनुमति मिली हुई है। एंटीबायोटिक किसका उत्पाद है? एंटीबायोटिक जीवाणु और कवक का उत्पाद है। मवेशियों में थनेला रोग का कारण है? थनेला रोग जीवाणु का कारण होता है। किस रोग में गर्भ अवस्था के अंतिम चरण में गर्भपात हो जाता है? तो कौन सा रोग है? ब्रुसेलोसिस, ये रोग होता है जिसमें कि गर्भपात के अंतिम चरण में गर्भपात हो जाता है। किस रोग में पशु के सभी प्राकृतिक अंगों से खून का स्राव होने लगता है? जो एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी होती है जिसमें पशुओं के सभी अंगों से ब्लड आने लगता है। बर्ड फ्लू किसके कारण फैलता है? बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उसके कारण बर्ड फ्लू फैलता है। सबसे छोटा स्वतंत्र जीवित जीव है? माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटा स्वतंत्र जीव है। गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है? तो इसमें हमारा कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन की। पित्ताशय अनुपस्थित होता है घोड़ा में, पित्ताशय नहीं होता है। पीने योग्य जल की हार्डनेस की रेंज क्या है? जो हम पानी पीते हैं उसकी हार्डनेस 100 से 150 ppm तक होती है। मिल्क फेवर का कारण है? हाइपोकैल्शिमिया के मिल्क फेवर होता है। अब इधर जो हमने कुछ चीज़ लिखी हैं, जैसे कि किसमें क्या प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन होती है, जैसे दूध में केसिन होता है, अंडे में एल्यूमिन होता है, मांस में मायोसिन होता है, ऊन में क्रिएटिन होती है। डिसीज और वेक्टर, कौन से वेक्टर से कौन सी डिसीज होता है इसके देख लेते हैं। मलेरिया एनोफिलीज से होता है, हैजा घरेलू मक्खी से होता है, डेंगू एडिस से होता है, और सलीपद क्यूलेक्स से होता है। नीचे एक चीज़ ये है, पशु और कुल, कौन सा पशु कौन से कुल में आता है? गाय बोवाइडी में आता है, घोड़ा इक्वाइडी में आता है, भेड़ ओविफी में आता है, बकरी कैप्रिडी में आता है, कैप्रिडा में आता है, बोवेडा। पशु और वैज्ञानिक नाम, गाय का बॉस इंडिकस, भैंस का बुवेलिस, भेड़ का होगा ओबिस एरिस, बकरी का काप्रा हिरकस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।